नहीं, मैं हैदराबाद से लड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू जड़ी मिटला ऑफिशियल चैनल। क्या ऐसा हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी विद क्रिकेटर अजहरुद्दीन एक दूसरे के साथ लड़ेंगे आने वाले हैदराबाद के इलेक्शन में? जी हां, फिर से एक बार ये खबर चल रही है कि कांग्रेस पार्टी के वर्कर प्रेसिडेंट अजहरुद्दीन को आइंदा महीनों में MP इलेक्शन में उतारा जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली में अजहरुद्दीन का नाम भेज दिया गया है। AIMIM सदर असद ओवैसी के खिलाफ अजहरुद्दीन को ठहराया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अभी तक ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ है कि अजहरुद्दीन असेंबली सीट लड़ेंगे या फिर MP सीट लड़ेंगे। अजहरुद्दीन ने मीडिया से बात की और बताया, मैंने टिकट मांगा है लेकिन पार्टी टिकट देती है तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा और हैदराबाद से लड़ूंगा। देखिए इस रिपोर्ट में। टिकट मांगा हूँ, मैं भी मांगा हूँ, तो अगर पार्टी देगी तो जरूर मैं इलेक्शन लड़ूंगा 100%। आपका जो रास्ता रोक रहे हैं? नहीं, कोई भी ऐसा रास्ता रोकने से, ये सब छोटे चीज़ें हैं। जो आदमी थ्रेटन होता है वो यही काम करता है, समझा? देखिए, बिकॉज इलेक्शन में टिकट तो कोई भी मांग सकता है, किसी को भी टिकट मिल सकता है। अगर मेरे को मिलेगा तो मैं लड़ेगा, भाई को मिलेगा तो भाई लड़ेंगे, इनको मिलेगा तो ये लड़ेंगे, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे लोग समझते हैं कि अपन पार्टी से बड़े हैं, हम पार्टी से बड़े हो जा रहे हो, तो वहीं पर प्रॉब्लम है। तो ऐसा मुझे कोई उन्हें हमने कोई भी रास्ता रोके, थोड़ा बहुत हुआ था बट हमने वो रास्ते से सीधा निकल गए थे, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। TRS पार्टी कुछ आपको ऑब्जेक्शन करेगी? कौन TRS? जैसा TRS पार्टी जो भी, इसमें अपना एक झंडा गाड़ी भी है, तो देखिए कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती कैसी भी चीज़। एक टाइम वेस्ट इंडीज बहुत बड़ी टीम थी, किसको कोई हरा ही नहीं सकता था, तो वो भी आज कहाँ है देखिए। तो ऐसा होता है, ऐसा कोई अगर ओवर कॉन्फिडेंस अगर ऐसा रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी पब्लिक के ऊपर, आवाम के ऊपर, आवाम जिसको चाहती है वो उसको वोट देगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइम कांग्रेस पार्टी को वोट दे और जिताए।